नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक न्यूज में। दोस्तों, दुनिया में पबजी सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है, जिसे कि एक कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन चलाती है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक पबजी गेम दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेमिंग ऐप है, लेकिन पिछले साल इसे भारत में बैन कर दिया गया। हालांकि भारत में बैन होने के बाद पबजी मोबाइल ने नवंबर में घोषणा की थी कि पबजी को जल्द ही दोबारा रिलॉन्च किया जाएगा भारत के लिए। दोस्तों, कंपनी ने पबजी मोबाइल इंडिया नाम से एक वेबसाइट तैयार की है, ताकि पबजी मोबाइल रिलीज होने पर आपको अपडेट मिलता रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले साल 2020 में भारत चीन सीमा तनाव के बाद भारत की केंद्र सरकार ने कई सारे चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसमें पबजी मोबाइल भी शामिल था। वैसे तो कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन इस ऐप को चलाती है, लेकिन इस ऐप की बड़ी हिस्सेदारी चीनी कंपनी टेंसेंट के पास भी मौजूद है। दोस्तों, पबजी मोबाइल अभी तक दोबारा लॉन्च न होने की वजह हम आपको बताने वाले हैं, जिस कारण से ये गेम दोबारा लॉन्च नहीं हो सका। दरअसल राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में भारत सरकार ने ये बताया कि पबजी मोबाइल पर ये पाबंदी स्थायी रूप से लगाई गई है। इसके साथ ही पबजी मोबाइल को रिलॉन्च करने को लेकर सरकार और कंपनी के बीच में कोई खास बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। इसकी दूसरी वजह का खुलासा मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ है। उसके अनुसार हाल ही में बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली संस्था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पबजी को बच्चों के लिए खतरनाक बताया था, और यही वजह है कि जिसके कारण पबजी भारत में दोबारा लॉन्च नहीं हो पाया है। दोस्तों, इसका कारण है कि इस गेम की लत जिसको एक बार लग जाती है, वो फिर इस लत से जल्दी से बाहर नहीं आ पाता। दरअसल इस गेम के ग्राफिक्स ही इतने अच्छे हैं कि आपको लगता है कि आप किसी वर्चुअल दुनिया में नहीं, आप रियल लाइफ में इस गेम को खेल रहे हैं। बच्चों को इस गेम के ग्राफिक्स इतने पसंद आते हैं कि वो इस गेम को खेलते रहते हैं। बच्चे दिन भर इस गेम को खेलते रहते हैं और अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, और ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं, जिसके चलते बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, कई बार तो भारत में ऐसा देखा गया है कि इस गेम के चक्कर में बच्चों ने अपने परिवार की जमा पूंजी को भी लगा दिया। दोस्तों, क्या लगता है आपको, पबजी को भारत में दोबारा लॉन्च करना ठीक होगा या फिर नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।